शिफाले कलिसिया नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत रेज ऑफ होप कार्यक्रम के सारे दर्शकों का हृदय से स्वागत करते हैं। मैं पास्टर शिबू के मथाई दिल से हमारे सारे दर्शकों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो अपना बहुमूल्य समय निकालते हैं और रेज ऑफ होप कार्यक्रम को बहुत ही आनंद के साथ देखते हैं। प्रिय मित्रों, पवित्र बाइबल में से एक आयत में पढ़ूंगा जो फिलिपियों उसके पहले अध्याय की 6वीं आयत में है, जहां इस प्रकार से लिखा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हां प्यारे मित्रों, अच्छा काम शुरू करने वाला परमेश्वर, इतना ही नहीं, उस अच्छे काम को यीशु मसीह के दिन तक पूरा करने वाला अर्थात सिद्धता तक पहुंचाने वाला परमेश्वर। शिफाले कलिसिया का और मुजदास के दिल का यही आग्रह है कि परमेश्वर रेज ऑफ होप कार्यक्रम के द्वारा बहुतेरे लोगों के जीवन में एक अच्छा कार्य शुरू करे और इस कार्यक्रम में जो वचन दिया जाता है, सिखाया जाता है, जो गवाहियां सुनने को मिलती हैं और जो भक्ति गीत सुनाए जाते हैं, इन सारी बातों के द्वारा प्रभु का काम लोगों के जीवन के अंदर आगे बढ़ता जाए, लोग प्रभु में मजबूत होते जाएं और यीशु की कलिसिया यीशु के आगमन के लिए तैयार हो जाए। यही नहीं, हमारी दिल की चाहत है कि भारत के अंदर अंतिम दिनों की सबसे बड़ी जागृति आने पाए। प्रिय मित्रों, इस प्रोग्राम को आप भी देखें, आपके मित्रों को और रिश्तेदारों को और कलिसिया के बाकी लोगों को भी बताएं। अब तो दुनिया के कोने कोने में जो आपके दोस्त हैं वो भी इंटरनेट पर, यूट्यूब पर इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। तो आइए आज के कार्यक्रम का हम आनंद लें। रेज ऑफ होप के सभी दर्शकों को जय मसीह की। प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, मसीह जीवन के अंदर प्रार्थना का एक गहरा महत्व है। मसीह जीवन का आधार है प्रार्थना। एक सच्चा, एक अच्छा विश्वासी हर काम को, हर बात को प्रार्थना के साथ करता है। प्रार्थनाएं हमारे जीवन को बढ़ाती हैं। जब हम हर एक काम को प्रार्थनाओं के द्वारा करते हैं तो उसका अच्छा जवाब हम पाते हैं, जो कि प्रभु की ओर से होता है। संसाधन तो संसार की ओर से भी होते हैं, रिक्वेस्ट तो कहीं भी की जा सकती है, लेकिन जब स्वर्गीय पिता के सम्मुख में प्रार्थना की जाती है तो बहुत सारे अद्भुत काम होते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। मसीह लोगों के जीवन में ऐसा होना चाहिए। हम देखते हैं कि प्रार्थना करना हमारे परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर को अच्छा लगता है कि उसके बच्चे, उसके लोग उसके सम्मुख में आए और अपनी बातें उनसे कहें। प्रभु के वचन में इस तरह से लिखा है कि हे लोगों, अपनी बातें परमेश्वर से खोलकर कहो। ये प्रार्थना का भाव है। हम हमारे हृदय के गहरे बातों को, जो हम किसी और से नहीं कह सकते, हम परमेश्वर से कहें और परमेश्वर उनको सुनकर उनका जवाब देता है। हम देखते हैं यहाँ पर कि यीशु मसीह जो हैं वो हमारे जीवन के अंदर एक रोल मॉडल की तरह काम करते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण है। जब भी वक्त मिलता था यीशु प्रार्थना करते थे। कभी वो रात रात भर प्रार्थना करते थे और कभी वो अति भोर को अपने स्वर्गीय पिता के सम्मुख प्रार्थना में समय बिताया करते थे। तो ये बातें हमें सिखाती हैं कि हमें किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। न केवल यीशु ने खुद प्रार्थना किया, प्रार्थना का जीवन दिखाया, बल्कि उन्होंने चेलों को भी प्रार्थना करना सिखाया। हम देखते हैं मत्ती 6 अध्याय उसके 9-15 में यीशु चेलों को प्रार्थना करना सिखाते हैं, और लूका 11:1-4 में चेलों ने स्वयं यीशु से कहा कि यूहन्ना के चेले प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखा। तब वहाँ पर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाते हैं। तो हमारा आज का विषय है कि प्रार्थना का महत्व, क्यों यीशु इतना प्रार्थना करते रहे, क्यों उन्होंने अपने चेलों को सिखाया। तो आज हम इस विषय के ऊपर बात करेंगे
कि प्रार्थना का महत्व क्यों इतना ज़रूरी है, प्रार्थना करना क्यों ये महत्वपूर्ण है, इसके लिए आज हम चार पॉइंट्स को देखेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट रहेगा, प्रार्थना परमेश्वर की आज्ञा है। इसके लिए हम वचन को पढ़ेंगे, यिर्मयाह 33:3। मैं अपनी बाइबल में पढ़ती हूँ, आप अपनी बाइबल में फॉलो करें। मुझसे प्रार्थना कर और मैं सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर, यानी जब कोई प्रार्थना करता है तो परमेश्वर सुनता है। और यिर्मयाह 33:3 एक आज्ञा है कि मुझसे प्रार्थना कर। प्रभु चाहता है कि उसके लोग उससे प्रार्थना करें। और लूका 18:1 में भी यीशु ने ऐसा कहा, नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना। ये आज्ञा परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखी है कि तुम प्रार्थना करो। प्रार्थना करना कि एक आज्ञा, वो तो एक सजा की तरह नहीं है, वो एक पनिशमेंट नहीं है, लेकिन परमेश्वर स्वयं चाहता है कि उसके लोग प्रार्थना के द्वारा उससे कनेक्टेड रहें, उससे जुड़े रहें, उससे मिले रहें। प्रेज द लॉर्ड। यह हम देखते हैं कि जितना ज्यादा परमेश्वर की आज्ञा है प्रार्थना, उतना ही ज्यादा परमेश्वर की इच्छा भी है कि उसके लोग प्रार्थना करें। जब हम देखते हैं कि नित्य प्रार्थना करना और ही आप ना छोड़ना, यानी संसार के लोग कभी कभी प्रॉब्लम्स आने पर, परेशानी आने पर हिम्मत छोड़ देते हैं, ही आप छोड़ देते हैं, उनका सब्र और धीरज कम होने लगता है। जब वो परेशानी में घिर जाते हैं तो वो जिन जिन पर भरोसा रखते हैं वो चीज़ें, वो लोग उनका साथ छोड़ने लगते हैं और उनकी हिम्मत टूटने लग जाती है। और लूका 18:1 के अंदर प्रविष्य में से कह रहे हैं, नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना, यानी प्रार्थना जो है वो प्रतिदिन का कार्य है। इससे क्या होता है, जब हमें परेशानी होती है, जब हम और आप दिक्कत का सामना करते हैं, तब वो प्रार्थनाएं प्रभु के सानिध्य में जब हम करते हैं तो वो हमें निराश होने नहीं देते, वो हमें निराशा में जाने ही नहीं देते, वो हमें टूटने नहीं देते, क्योंकि हम सर्वप्रथम वो बातें परमेश्वर के सम्मुख में रख रहे हैं, तो हम कैसे टूट सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दूसरे पॉइंट की ओर बढ़े, प्रार्थना करने वालों पर परमेश्वर की दृष्टि बनी रहती है, यानी कि प्रार्थना करने वालों के ऊपर एक नज़र लगी रहती है स्वर्गीय पिता की, वो उनको देखता रहता है। भजनों में भी ऐसा लिखा हुआ है कि धर्मियों के दुहाई की ओर उसके कान लगे रहते हैं, धर्मियों की पुकार को वो सुनते रहता है और उसकी आंखें उनके ऊपर लगी रहती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती 6:6 में प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। आगे लिखा है, तब तेरा पिता जो गुप्त में है वो तुझे देखता है और वो तुझे प्रतिफल देगा। यानी प्रार्थना करने वालों के ऊपर एक ऐसा कैमरा लगा हुआ है जो स्वर्ग में फिट हो रखा है। उस कैमरे में कभी कोई गड़बड़ी नहीं होती है, वो कभी खराब नहीं होता, उसका डेट भी कभी एक्सपायर नहीं होता। प्रार्थना करने वालों के ऊपर प्रभु की निगाह सदा बनी रहती है। अगर हम इसके सबूत को देखना चाहें तो बाइबल में हम देख सकते हैं प्रेरितों 10:1-4 में, वहाँ पर एक कुर्नेलियस नामक व्यक्ति है जो इटालियन सेना का सूबेदार है। वो बहुत ही बिजी एक व्यक्ति है, बहुत ही बिजी है अपनी लाइफ के अंदर, वो सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति है, लेकिन वहाँ पर हम पाते हैं कि वो प्रार्थनाएं करता है और उसकी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुँच रही हैं। दूसरी आयत में हम देखते हैं कि स्वर्गदूत जब उससे आकर बात करता है, उससे पहले लिखा हुआ है कि कुर्नेलियस एक धर्मी व्यक्ति है, वो एक भला व्यक्ति है, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। और आगे लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत उससे आके कह रहा है कि 4 में ऐसे लिखा है, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान, ये हम देख रहे हैं ना कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। यानी जब वो प्रार्थनाएं कर रहा है तो परमेश्वर उसे देख रहा है, जो पिता गुप्त में उसे देख रहा है वो उसकी प्रार्थनाओं को भी याद रखता है, उसके कामों को भी याद रखता है। तो प्रभु की आंखें प्रार्थना करने वालों पर लगी रहती हैं। एक और भाग हम देखेंगे वचन का, प्रकाशित वाक्य
पांच अध्याय उसके आठ आयत में इस प्रकार लिखा है, 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े और प्रत्येक के हाथ में, उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप हैं, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। यानी कि प्रार्थनाएं कभी भी खत्म नहीं होती, इन्हें नष्ट नहीं होती, प्रार्थनाएं कभी भी रुकती नहीं है, प्रार्थनाएं कभी भी व्यर्थ नहीं होती हैं, प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंचती हैं। अगर आप विश्वास के साथ अच्छे मन से उस स्वर्गीय पिता के सम्मुख में धीरज धरकर प्रार्थनाएं करते हैं तो वो सच में निश्चय ही स्वर्ग तक पहुंचेंगी और वो अनंत काल तक उस परमेश्वर के सामने ठहरी रहेंगी। वो प्रार्थनाएं कभी भी बिगड़ती नहीं है। शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिन से अपने कामों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ या किसी और विशेष बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे होंगे और आपको जवाब नहीं मिल रहा होगा। तो आप कुरनेलियुस को याद रखें, समय आने पर प्रभु आपको जवाब जरूर देगा। आइए हम तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ें। प्रार्थनाएं स्वर्गीय सामर्थ्य को प्रकट करती हैं, यानी प्रार्थनाओं में एक ऐसा सामर्थ्य है जो स्वर्ग से काम करता है, उसका कनेक्शन स्वर्ग से जुड़ा हुआ है। प्रार्थना का कनेक्शन स्वर्ग से जुड़ा हुआ है। प्रार्थनाएं धरती पर होती हैं, लेकिन काम वहां से शुरू होते हैं, स्वर्ग से शुरू होकर धरती पर प्रकट होते हैं। हम याकूब में देखते हैं, याकूब पांच अध्याय उसके 16वीं आयत में लिखा है, धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हम देखते हैं दूसरा राजा उसके 18 अध्याय उसके 41 से 46 में घटना घटी, जहां एलिया बारिश के लिए प्रार्थना कर रहा है, और याकूब पांच अध्याय उसके 17 और 18 आयत में वो बातें व्याख्या में आई हैं। आगे वहां पर ऐसे लिखा हुआ है, एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, और उसने प्रार्थना की तब 3.5 साल तक धरती पर मेह नहीं बरसा। ये कौन सी सामर्थ्य थी? एक साधारण व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है और स्वर्ग उसकी बात को सुन रहा है, और वहां लिखा है कि मेह नहीं बरसा। और आगे 18वीं आयत में लिखा है, फिर उसने प्रार्थना की और आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। वही व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है और बारिश नहीं हो रही 3.5 साल तक, और वही व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है और बारिश हो रही है। यानी प्रार्थना और स्वर्ग का ताल्लुक है। प्रार्थनाएं स्वर्गीय सामर्थ्य को प्रकट करती हैं, यानी परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थनाओं का इंतजार करता है और वो काम करता है अपने लोगों की प्रार्थनाओं के अनुसार। हालेलुया। आगे हम देखते हैं जैसे एक और ऐसी ही घटना को, जहां प्रेरितों के काम की पुस्तक 12वें अध्याय में 5 से 12 तक एक घटना घटी। लिखा है, पत्रस बंदी गृह में बंद था और कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है। पत्रस बंदी गृह में था और कलीसिया ने लौ लगाकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया, और जब कलीसिया प्रार्थना करना शुरू कर देती है तो स्वर्गदूत वहां पहुंचता है जहां उसकी जरूरत है। यानी प्रार्थनाएं स्वर्ग में हलचल को पैदा कर देती हैं। प्रार्थनाएं धरती पर होती हैं और स्वर्ग से काम शुरू हो जाता है। हालेलुया। वहां पर हम देखते हैं कि स्वर्गदूत जेल खाने के अंदर चला गया, वहां एक बड़ी ज्योति चमकी, और पतरस जो कैदियों के बीच में था, सो रहा था, उसको स्वर्गदूत ने जगाया, उसके बंधन तमाम खुल गए और वो आजाद हुआ, और आजाद होकर वो चलने लगा, यानी द्वार की ओर बढ़ने लगा। ये प्रार्थनाएं काम कर रही हैं। प्रार्थनाएं स्वर्गीय सामर्थ्य को प्रकट कर रही हैं। स्वर्ग से एक स्वर्गदूत बंदी गृह में आ गया और काम शुरू हो गया, और जो द्वार बंद थे, जो द्वार लॉक लगे हुए थे, ताले लगे हुए थे, खुल नहीं सकते थे, वो दरवाजे उसके आगे, उनके आगे अपने आप ही खुलने लग गए। हालेलुया। और हम देखते हैं 12वीं आयत के अंदर कि जब उस यूहन्ना की माता मरियम के घर पर आया जो मरकुस कहलाता है, तो क्या पाते हैं कि वहाँ बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं। पतरस की आज़ादी के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं। प्रार्थना शुरू हुई, अभी प्रार्थना खत्म नहीं हुई है। मुझे नहीं मालूम, वचन में नहीं लिखा समय, लेकिन वहाँ हम पाते हैं कि प्रार्थना करते करते ही उसके दौरान ही वो काम शुरू हुआ, और पतरस बंदीगृह से बाहर आकर
घर तक पहुंच गया जहां पर लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा कि प्रार्थना स्वर्गीय पिता की आज्ञा है। दूसरा पॉइंट कि प्रार्थना करने वालों पर परमेश्वर की दृष्टि बनी रहती है, मुँह ने देखता रहता है। और तीसरी बात हमने देखी कि प्रार्थनाएं स्वर्गीय सामर्थ्य को प्रकट करती हैं। अब हम चौथे पॉइंट की ओर बढ़ें कि प्रार्थना शैतान की योजनाओं को नष्ट करती है। शैतान की योजना क्या है? विश्वासियों को परेशान करना, प्रभु के सेवकों को परेशानी में डालना, उनके सेवाओं को ख़त्म करना, खराब करना। यहाँ पर हम ऐसी एक बात को देखते हैं प्रेरितों 9 अध्याय उसके 36 से 40 के अंदर कि एक भक्त स्त्री थी, तबीता नाम की एक विश्वासी थी, जिसकी मृत्यु हो गई और कलीसिया के लोगों ने पत्रस को बुलाया। पत्रस ने घुटने टेककर प्रार्थना किया, शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। और तबीता उठकर पत्रस को देखी, उसने पत्रस को देखा और उठकर वो खड़ी हो गई। तो हम समझ सकते हैं कि प्रार्थनाएं मृत्यु जैसे ताकत के ऊपर भी ज़्यादा प्रभावशाली है। मृत्यु एक शक्ति है, लेकिन उससे भी शक्तिशाली चीज़ है प्रार्थना। यानी वो मृत्यु के भी बंधन को तोड़ सकती है। शैतान की योजना जो तबीता के जीवन में आई कि वो उसको ख़त्म कर दे, वहाँ पत्रस की प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने उसको जीवित किया। अगर आप चर्च जाते हैं और आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या आती है जहाँ लगता है कि प्रभु के दासों को बताना चाहिए, तो आप ज़रूर उनको ये चीज़ें बताएं ताकि वो लोग प्रार्थना करें, प्रभु के दास प्रार्थना करें। हम एक और घटनाओं को देखते हैं। दूसरा राजा 4:32-33 को हम देखते हैं। यहाँ एक शुनेमवासी स्त्री है। शुनेमवासी स्त्री को बच्चे नहीं था, लेकिन प्रभु के दास एलिशा जब उनके लिए बोल कर आया तो प्रभु ने उनको संतान की आशीष दिया। अब ये बेटा मर गया। 32 आयत में इस प्रकार से लिखा है, एलिशा जब घर में आया तो क्या देखा, लड़का मरा हुआ है और उसकी खाट पर पड़ा है। और 33 आयत में इस प्रकार से लिखा है, तब उसने अकेले में भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। यानी प्रार्थनाएं शैतान के योजनाओं को नष्ट करती हैं, योजनाओं को भी नष्ट करती हैं। यीशु के सम्मुख में हम देखते हैं कि जब भी शैतान में जकड़े हुए लोग आए और यीशु ने बोला और उनको आज़ाद कर दिया, मरे हुए लोगों को जीवित किया। यहाँ पर हमने 2 उदाहरण देखे, तबीता को जिंदा होते हुए और यहाँ पर शुनेमवासी स्त्री के पुत्र को एलिशा ने यहोवा से जब प्रार्थना किया तो जिंदा वो हो गया। तो ये हम पाते हैं। आगे हम देखते हैं, हमने 4 बातों को यहाँ पर देखा है कि प्रार्थना का महत्व क्या है। हमारा विषय यही था आज कि प्रार्थना का महत्व। तो हम इस बात को जानें और समझें कि प्रार्थना का हमारे जीवन में बहुत गहरा महत्व है। हमें निरंतर प्रार्थना जीवन में बढ़ना चाहिए, हमें कभी भी उसमें रुकना नहीं चाहिए। कभी कभी बीमारी या तकलीफ में हम कुछ कमज़ोर पड़ जाते हैं, यानी वहाँ पर ये बात आ जाती है कि शरीर तो निर्बल है लेकिन आत्मा बलवंत है। हमें उस बलवंत आत्मा को प्रभु से मांगना है ताकि हमारे प्रार्थना जीवन में कमज़ोर ना हो। निरंतर हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए, प्रभु के चरणों में हमें पुकारना चाहिए ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने और हमें आगे बढ़ाए। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, इस समय मैं दुआ करती हूँ जितने भी हमारे भाई और बहन इस प्रचार को सुन रहे हैं, इन बातों को सुन रहे हैं, प्रभु आप उनके जीवन में गहरा काम करें ताकि वो प्रार्थना के महत्व को समझ सके और निरंतर वो दुआओं में और प्रार्थनाओं में आगे बढ़ते जाए, प्रभु के चरणों में बने रहें, प्रभु के सम्मुख में बने रहें। प्रभु जी, तो हमें और आशीष दे और प्रार्थना के महत्व को हमें और गहराई से सिखा ताकि हम पवित्र आत्मा के साथ मिलकर दुआएं कर सके। यीशु के नाम में आमीन। यीशु तेरे चरणों में आता दर्शन को, तेरे दर्शन को।
तेरे चरणों में आता हूँ, दर्शन को तेरे दर्शन को, यीशु तेरे चरणों में आता हूँ, दर्शन को तेरे दर्शन को। पकड़ लो प्यारे मसीह, राह दिखा दो जो है सही, हाथ पकड़ लो प्यारे मसीह, राह दिखा दो जो है सही, जो है सही। दर्शन दो मुझे, दर्शन दो, दर्शन दो मुझे, दर्शन दो। यीशु तेरे चरणों में आता हूँ, दर्शन को तेरे दर्शन को, यीशु तेरे चरणों में आता हूँ, दर्शन को तेरे दर्शन को। आदि अनंत अल्फा ओमेगा, सारी सृष्टि के तुम हो विधाता, आदि अनंत अल्फा ओमेगा, सारी सृष्टि के तुम हो विधाता, तुम हो विधाता। दर्शन दो मुझे, दर्शन दो, दर्शन दो मुझे, दर्शन दो। यीशु तेरे चरणों में आता हूँ, दर्शन को तेरे दर्शन को, यीशु तेरे चरणों में आता हूँ, दर्शन को तेरे दर्शन को। भुलैया है ये दुनिया, इसमें ना चाहूं मैं कभी फंसना, भूल भुलैया है ये दुनिया, इसमें ना चाहूं मैं कभी फंसना, मैं कभी फंसना। दर्शन दो मुझे, दर्शन दो, दर्शन दो मुझे, दर्शन दो। यीशु तेरे चरणों में आता हूँ, दर्शन को तेरे दर्शन को, यीशु तेरे चरणों में आता हूँ, दर्शन को तेरे दर्शन को। Thank you.
संकट क्लेश और बाधा अनेक है, इनसे बचाता तू बस एक है। संकट क्लेश और बाधा अनेक है, इनसे बचाता तू बस एक है। तू बस एक है, दर्शन दो मुझे, दर्शन दो, दर्शन दो मुझे, दर्शन दो। यीशु तेरे चरणों में आता हूँ, दर्शन को तेरे, दर्शन को। यीशु तेरे चरणों में आता हूँ, दर्शन को तेरे, दर्शन को। सहारे जीवन की नैया पार लगाओगे मन के खिवैया, तेरे सहारे जीवन की नैया पार लगाओगे मन के खिवैया, मन के खिवैया। दर्शन दो मुझे, दर्शन दो, दर्शन दो मुझे, दर्शन दो। यीशु तेरे चरणों में आता हूँ, दर्शन को तेरे, दर्शन को। यीशु तेरे चरणों में आता हूँ, दर्शन को तेरे, दर्शन को। यीशु तेरे चरणों में आता हूँ, तेरे। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपने बहुत आशीष पाई होगी। आज जो वचन आपने सुना और जो बातें आपने इस कार्यक्रम में आज सुनी और देखी हैं, निश्चय उसके द्वारा आपकी आत्मिक उन्नति हुई होगी। प्रिय मित्रों, हम आपसे जानने को इच्छुक हैं कि प्रभु ने आपको इस कार्यक्रम के द्वारा कैसे आशीष दी है और कैसे रेज ऑफ होप के द्वारा आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है। हम आपके सुझाव भी जानना चाहेंगे। आप बेझिझक हमसे संपर्क करें, हमारा नंबर स्क्रीन पर आता है, उस पर आप कॉल करें। हो सकता है जब आप कॉल करेंगे तब हमारा नंबर बिजी आ रहा हो, आप चिंता ना करें, आपके पास रिटर्न कॉल जरूर आ जाएगा। प्रिय मित्रों, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है शिफाले, shifalaya, shifalaya@gmail.com, shifalaya@gmail.com। तो आप हमारे ईमेल पर हमसे संपर्क करें। स्क्रीन पर जो हमारा नंबर आ रहा है 9213217517, इस पर आप या तो कॉल करें या SMS भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारा एड्रेस भी आप नोट कर लीजिए। हमारा एड्रेस है शिफाले चर्च, RZ 8M, फर्स्ट फ्लोर, गली नंबर 4, इंदिरा पार्क, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली 110045। तो आप हमारे एड्रेस पर हमें चिट्ठी भी जरूर भेजें। हमें आपके संपर्क का इंतजार होगा। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।